मैं भी हूँ क्लाइंट काउंसलिंग इवेंट के बाद। यहाँ पे मेरे साथ है मैम, आपका नाम? देवांशी दमेजा। तो ये इवेंट किस बारे में एक्चुअली? बेसिकली दिस इज फॉर लॉ स्टूडेंट्स। इसके अंदर क्या होता है, दो एडवोकेट्स होते हैं, दे सपोज टू डील विद अ क्लाइंट एंड दीज एडवोकेट्स आर सपोज टू बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, कि वो कैसे क्लाइंट से कितने प्यार से बात करते हैं, कैसी टाइप की रेमेडीज उन्हें दे पाते हैं एंड ये सारी चीजें। तो आपके तौर पे है उसमें ऐसी कमिटी? Yes, I have like two other people along with me, my teammates, Daskanshi Kaushik and Sana Parvez. So, the response kaisa raha event ka? Apparently, we got like a lot of registrations, but then we had to cancel because our deadline, our limit was 12. And so, participation was kahan kahan se? Participation has been like throughout North India. We have teams from Delhi, we have teams from Noida, we have teams from Gurgaon, and yeah, we have teams from Mohali as well. तो एक लाइव काउंसलिंग का रिजल्ट आ चुका है, तो मैं इसमें दो पार्टिसिपेंट्स हैं, आप लोग सेलेक्ट हो गए? हां जी, हम लोग थर्ड आए हैं, छह टीम क्वालिफाई करी हैं और उसमें से हम थर्ड पोजीशन पे। तो जो आपकी ये अगला राउंड है उसमें क्या होना है? इसके अंदर हमें सेम ही एक प्रॉब्लम दी जाएगी और हमें उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, हमारी क्लाइंट जो भी आएगा हमें उसको एडवाइस करना पड़ेगा उसकी केस। उसकी प्रिपरेशन आप लोग किस तरह से करते हैं? लोग लॉ के प्रोविजन देखते हैं, हमारे लीगल प्रोविजन जो है उसी हिसाब से हम फिर क्लाइंट को एडवाइस करेंगे, तो हमें अपनी जो हमारी बुक्स हैं हम उसके लीगल प्रोविजन मतलब वहाँ से रेफर करके पढ़ेंगे। तो मेरे साथ गुरमीत सिंह है जो फर्स्ट आए हैं फर्स्ट राउंड में क्लाइंट काउंसलिंग। तो इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी तो नहीं? ऐसे जो इवेंट्स में बड़ी बार ये होता है कि जो पार्टिसिपेटिंग टीम है उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो जो होम टीम है? नहीं, मैं होम टीम हम तो है नहीं, इसलिए I don't think कोई controversy रहती है। इनके home team जो है I don't think किसी का भी इन्होंने कोई favoritism करा, तो बाहर से आए हम लोग, तो I don't think कोई controversy। हाँ, तो आप ऐसे लोग? हम Delhi से।